Hello friends, in this video we are going to solve the problem on slope deflection method. अगर आपने मेरी slope deflection की introduction वाली video नहीं देखी है तो उसकी link मैंने description के अंदर share की हुई है, वहाँ से जाके आप equation और sign convention सीख सकते हैं. okay? तो उसके बाद ये video आप देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो चलिए start करते हैं. तो यहाँ पे हमें एक बीम दिया गया है, कंटिन्यूस बीम ए बी सी डी. ए एंड डी सपोर्ट्स आर फिक्स्ड एंड द बी एंड सी आर रोलर सपोर्ट. ओके, हियर द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ स्पान ए बी इज आई. द स्पान मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ स्पान बी सी इज टू आई एंड द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ स्पान सी डी इज आई. राइट, हियर ऑन द स्पान ए बी द सेंट्रल पॉइंट लोड इज गिवन 15 किलोन्यूटन. यू डी एल इज given over the span BC on 3 meter and the point load of 25 kN is applied at 1 meter from C support and from 2 meter from D support. Right, so what are the steps involved in this method? First of all, we have to determine the fixed end moments. उसके बाद हम क्या करेंगे, formation of slope and deflection equation, उसको हम फाइनल मोमेंट इक्वेशन भी बोल सकते हैं. और फाइनल मोमेंट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें, इक्विलिब्रियम कंडीशंस चाहिए. तो उसके बाद हम करेंगे यूज़ ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस, उसके बाद हम फाइनल मोमेंट मिल जाएगी. सो वी विल गेट द फाइनल मोमेंट्स. उसके बाद क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे और बी एम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. एंड देन वी विल फाइंड द रिएक्शंस एंड ड्रॉ दी एसेफ डायग्राम. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. स्टेप नंबर वन, वी विल फाइंड आउट द फिक्स्ड एंड मोमेंट. ओके, सो हियर आई विल राइट फिक्स्ड एंड मोमेंट्स. ओके, नाउ कंसिडर द स्पान ए बी. वी विल हैव एम एफ ए बी इज इक्वल टू, सो सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए क्या इक्वेशन थे हमारे, एम एफ ए बी की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन बनेंगे, एम एफ ए बी, एम एफ बी ए, एम एफ बी सी, एम एफ सी डी, और यहाँ पे एम एफ सी डी, और यहाँ पे हो गया एम एफ डी सी. राइट, सबसे पहले बात करते हैं एम एफ ए बी की, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल बाई एट. डब्ल्यू कितना है 15, माइनस 15 इंटू स्पान कितना है 2 + 2 4 मीटर, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8. इसका आंसर हो जाएगा माइनस 7.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर. उसी तरह से हम एम एफ बी ए फाइन करेंगे तो उसका इक्वेशन क्या आ गया, प्लस डब्ल्यू एल बाई एट आएगा. मतलब यहाँ पे जो साइन है वही सिर्फ चेंज होगी, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 7.5 किलोमीटर इंटू मीटर. अब बात करते हैं एम एफ बी सी के बारे में, तो क्या होगा, यू डी एल है, उसकी साइन कितनी, उसकी साइन क्या आएगी, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, माइनस डब्ल्यू कितना है 16, एल स्पान कितना है 3 मीटर, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे 12, तो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 12 किलोमीटर इंटू मीटर. अब ये होगा एम एफ सी बी, उसका इक्वेशन आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12. इक्वेशन सेम है, सिर्फ साइन ही अलग है, तो हम प्लस 12 किलोमीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं. अब फाइंड करते हैं एम एफ सी डी. देखिए एम एफ सी डी पे क्या हो रहा है, सेंट्रल पॉइंट लोड नहीं है, यह पॉइंट लोड है जो सी से 1 मीटर पे लग रहा है और डी से 2 मीटर पे लग रहा है. तो उसका इक्वेशन ने क्या बताया था आपको, देखिए सी के पास माइनस मोमेंट आएगी, माइनस डब्ल्यू, नज़दीक का जो है डिस्टेंस वो होगा ए, दूर का क्या होगा बी, उसका क्या करेगा स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. राइट, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 25 इंटू 1, बी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको हम ले रहे हैं ए डिस्टेंस और इसको ले रहे हैं बी डिस्टेंस. राइट, और एल कितना है टोटल, 1 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर आएगा 3 स्क्वायर. तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा माइनस 11.11 किलोमीटर इंटू मीटर. उसी तरह से अगर मैं बात करूँ, मुझे फाइंड करना है एम एफ डी सी,
तो कैसे फाइंड करेंगे, तो प्लस डब्ल्यू नज़दीक का डिस्टेंस बी हो जाएगा, दूर का डिस्टेंस ए हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। अभी देखो इसमें ये मिस्टेक मत करना कि यहाँ पे हमने किया था माइनस प्लस, अगर यहाँ पे ऐसा करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, गलत आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। सो प्लस 25 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है 2 है, और एल ए की वैल्यू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस 5.55 किलोमीटर इंटू मीटर। राइट, तो स्टेप वन हमने कर लिया। अभी हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। राइट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टेप नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, और इसको हम फाइनल मोमेंट का इक्वेशन भी बोल सकते हैं। राइट, यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो ए बी सी डी इसी तरह से हमारा जो बीम है ए बी सी ओ डी, तो पहले हम किसका निकाल गए एम ए बी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम ए बी इज इक्वल टू कैसे सिखाया था मैंने, पहले उसकी फाइनल एंड फिक्स एंड मोमेंट लिखिए एम एफ ए बी, प्लस क्या करेंगे 2EI अपन एल डिवाइडेड बाई डिवाइडेड सॉरी इंटू ट्वाइस थीटा ए। ट्वाइस किसको करना है, जो यहाँ पे आप पहले लिख रहे हो उसको ट्वाइस करना है, मतलब जिस सपोर्ट के पास आप मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो उसका प्लस ट्वाइस लिखना है। प्लस क्या करेंगे थीटा बी माइनस 3 डेल्टा ओपन एल। अभी देखो इस एग्जांपल में हमें कहीं भी ऐसा नहीं बोला गया है कि ए सपोर्ट बी सपोर्ट सी सपोर्ट या फिर डी सपोर्ट उसका सेटलमेंट हुआ है उसका सिंकिंग हुआ है, ऐसी कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है, तो उसकी वैल्यू पहले से क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। राइट, अभी यहाँ पे जो हमारा बीम है, सॉरी ये था फिक्स सपोर्ट था, ये भी फिक्स सपोर्ट है, जो ए है वो फिक्स सपोर्ट है, मतलब वहाँ पे हमें स्लोप नहीं मिल सकता, तो थीटा ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। उसी तरह से थीटा डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर अननोन कौन बचा, अननोन यहाँ पे बचे थीटा बी एंड थीटा सी। राइट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी एम एफ ए बी हमने फाइंड किया हुआ था, वो क्या फाइंड किया था हमने -7.5, तो वहाँ पे लिखता हूँ -7.5 प्लस 2 टाइम्स ई आई। इसका स्पान कितना था हमारा, देखिए फिगर में स्पान कितना है 2+2 4 मीटर है। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 2 थीटा ए, थीटा ए मैंने क्या बोला 0 है तो वो 0 हो जाएगा, प्लस थीटा भी तो हमारे पास है नहीं तो 1 है, माइनस सेटलमेंट भी नहीं दिया सपोर्ट के पास तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -7.5 प्लस 2 4 ये हो जाएगा 1/2 ई आई। राइट, और यहाँ पे बचेगा थीटा बी, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5, ये हो गया 1/2 हमारा, ये क्या हो गया 1/2 मतलब 0.5 ई आई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा थीटा बी, तो आ गया हमारा एम ए बी आ गया। अभी हम फाइंड करेंगे एम बी ए, चलो एम बी ए को कैसे लिखेंगे, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ बी ए प्लस 2EI बाई एल ट्वाइस, कौन सा पहला लिखेंगे ट्वाइस थीटा बी, थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा ओपन एल। यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा, एम एफ बी ए कौन सी वैल्यू है हमारी प्लस 7.5 के, प्लस 2EI बाई एल कितना है 4 मीटर, बी ए भी 4 मीटर होगा, थीटा बी वो अननोन है तो हम उसको ऐसे ही रखेंगे, थीटा ए क्या है हमारा 0 है, डेल्टा भी कितना है 0, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बोला गया कि बी सपोर्ट के पास कोई भी सिंकिंग है। राइट, तो ये हमारा कितना हो जाएगा अभी टोटल, हो जाएगा हमारा 7.5 प्लस ये 2 × 2 4/4 कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो हो जाएगा ओनली ई आई इंटू थीटा बी हो जाएगा। राइट, अभी हम फाइंड करते हैं एम एफ, अभी बी सपोर्ट के पास आ गया ना, अभी क्या करेंगे एम बी सी। राइट, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा एम बी सी इज इक्वल टू एम एफ बी सी प्लस 2EI/L 2 टाइम्स थीटा बी प्लस थीटा सी
माइनस थ्री डेल्टा अपन एल। अगेन यहाँ पे मेरे पास दो अननोन आ जाएंगे, डेल्टा जीरो हो जाएगा क्योंकि बी के पास कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है। एम एफ बी सी की वैल्यू क्या थी हमारी, वो थी हमारी माइनस ट्वेल्व प्लस टू ई। अभी यहाँ पे देखो जो आई है तो स्पान के नीचे आप देखें हमें क्या दिया गया है कि यहाँ का जो स्पान है उससे डबल है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो रहा है, तो हम आई की जगह पर क्या लिखेंगे, टू आई लिखेंगे, राइट। और स्पान कितना है, थ्री मीटर का है, तो यहाँ पे आई की जगह पर लिखूँगा टू आई डिवाइडेड बाई थ्री। प्लस थीटा भी सेम आएगा, थीटा सी भी सेम आएगा, माइनस ज़ीरो। अभी क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, टू इंटू टू इंटू टू, एट बाई थ्री, एट बाई थ्री क्या हो जाएगा, टू पॉइंट सिक्स सेवन हो जाएगा, प्लस ये हो गया हमारा टू पॉइंट सिक्स सेवन पी आई। अभी इसको अंदर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, उसके साथ तो हो गया, राइट। अभी क्या करेंगे, ई आई इंटू थीटा बी, सॉरी इसके साथ थीटा सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, टू इंटू टू फोर, फोर बाई थ्री होगा, फोर बाई थ्री क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री थ्री हो जाएगा, इंटू ई आई इंटू थीटा सी, राइट। तो ये हमारा हो गया एम बी सी का इक्वेशन हो गया। अभी बात करते हैं हम एम, अभी सी सपोर्ट के पास जाते हैं, तो क्या होगा एम सी बी, तो कैसे लिखेंगे इसको, एम एफ सी बी प्लस टू ई आई बाई एल, टू थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस टू डेल्टा ओपन एल। चलिए इसकी वैल्यू आएगी प्लस ट्वेल्व प्लस टू टाइम्स ई, टू आई लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय एल, एल कितना है थ्री है ना, तो थ्री लिख देते हैं, सॉरी हमारा हो जाएगा थ्री, हम इसको ऊपर ड्रैग कर देते हैं, ओके ना, ओके। चलिए यहाँ पे थीटा सी भी अननोन है, तो मैं थीटा सी तो ऐसे ही रहने देता हूँ, तो थीटा भी हो गया माइनस ज़ीरो, राइट, क्योंकि सी के पास भी सेटलमेंट नहीं है। ये हमारा हो गया प्लस ट्वेल्व प्लस ये कितना होगा, टू इंटू टू इंटू फोर बाई थ्री, एट, एट बाई थ्री क्या हो जाएगा, टू पॉइंट सिक्स सेवन, हाँ, और हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा हमारा थीटा ई आई इंटू थीटा सी, और उसी तरह से टू इंटू टू फोर, फोर बाई थ्री हो जाएगा वन पॉइंट थ्री ई आई, और उसके साथ थीटा भी मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा थीटा बी, राइट। एम सी बी का भी इक्वेशन आ गया। अभी हम फाइंड करेंगे किसका इक्वेशन फाइंड करेंगे, अभी फाइंड करते हैं एम सी डी। चलिए तो एम एफ सी डी क्या है हमारा, प्लस टू ई आई बाई एल डिवाइडेड बाई ट्वाइस थीटा सी प्लस थीटा डी माइनस थ्री डेल्टा बाय एल। अभी जैसा आगे हमने बताया इसी तरह से, और थीटा डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, राइट, और एम एफ सी डी की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस इलेवन पॉइंट इलेवन, मैं यहाँ पर लिखूँगा माइनस इलेवन पॉइंट वन वन। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस इलेवन पॉइंट वन वन प्लस टू ई आई बाय, स्पान कितना है वहाँ पे, वन प्लस टू, थ्री मीटर स्पान है टोटल, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा थ्री मीटर। थीटा सी अननोन है, उसको ऐसे ही रहने देंगे, थीटा डी ज़ीरो हो जाएगा और वो भी ज़ीरो हो जाएगा पूरा, राइट। चलिए इसको लिख देते हैं हम अच्छे से, माइनस इलेवन पॉइंट एलेवन प्लस टू इंटू टू फोर, फोर बाई थ्री, वन पॉइंट थ्री थ्री ई आई इंटू थीटा सी, ओके। आगे बढ़ते हैं एम एफ डी सी, अभी डी सपोर्ट के पास हम आ चुके हैं, एम डी सी, एम एफ डी सी प्लस टू ई आई अपन एल ट्वाइस थीटा डी प्लस थीटा सी माइनस थ्री डेल्टा अपन एल। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, प्लस फाइव पॉइंट फाइव फाइव, यहाँ पर हम लिखूँगा प्लस 5.55 प्लस 2 ई आई आई डिवाइडेड बाय एल 3 मीटर। सो थीटा डी की वैल्यू 0 है, इसलिए मैं ट्वाइस 2 इंटू 0 प्लस थीटा सी अननोन है उसको लिखना पड़ेगा, माइनस डेल्टा क्या आएगा 0, तो पूरी टर्म मतलब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी,
इसको अच्छे से लिख देते हैं 5.55 प्लस, चलिए ये तो जीरो, उसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर जीरो हो जाएगा, तो क्या बच गया 2/3 × θc, राइट। तो आ गया 2/3 क्या हो गया 0.66 हो जाएगा, मतलब 0.66 मतलब 0.67 लिख देता हूँ, इंटू या इंटू थीटा सी। सो हियर वी हैव डिराइव द फाइनल मोमेंट इक्वेशन, और यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ स्टोक डिफ्लेक्शन इक्वेशन, एम एफ ए बी, एम एफ बी ए, एम बी सी, एम सी बी, एम सी डी एंड एम डी सी, राइट। नाउ वी विल यूज द इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द अननोन थीटा ए बी एंड थीटा सी, ओके। बिकॉज जब तक हम थीटा बी और थीटा सी फाइंड नहीं करेंगे तो हमें फाइनल मोमेंट नहीं मिलेंगे, क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, सॉरी। इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कंडीशंस भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे कितनी कंडीशंस बनेगी, यहाँ पे ऐसा था हमारे पास ये ए बी ये सी और ये डी, देखिए ये फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं बनेगी, ये हमारा जॉइंट है यहाँ पे बी और सी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, ये हमारी पहली कंडीशन है, दूसरी क्या बनेगी एम सी डी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू जीरो, हमारी दूसरी कंडीशन हो गई, राइट। तो चलिए पहले हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट कंडीशन, तो इसमें आप लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यू कैन से डेट एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू जीरो। चलिए यहाँ पे एम बी और एम बी सी की वैल्यू लिया था हम, कहाँ पे यहाँ पे 7.5 ये थीटा बी और वो हो जाएगी -12 2.61 + θ, ओके फाइन। अच्छा यहाँ पे लिखते हैं हम एम बी ए, उसकी वैल्यू कितनी थी, सेवन पॉइंट फाइव या इंटू थीटा बी प्लस -12 + 2.67 या टू थीटा बी प्लस यहाँ पता 1.33 या थीटा सी इज इक्वल टू जीरो। चलो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं अभी, तो क्या मिलेगा हमें, चलो 7.5 प्लस ई थीटा बी प्लस माइनस हो जाएगा -12 हो जाएगा +2.67 ई थीटा बी प्लस हो जाएगा 1.33 ई थीटा सी इज इक्वल टू जीरो। थीटा बी वाले जो इक्वेशंस है उसके हम पहले बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा 7.5 -12 तो हो जाएगा हमारा, एक मिनट लिखेगा, -0.45 -4.5 ये क्या हो जाएगा 1 + 2 3 + 3.67 ई आई इंटू थीटा बी प्लस 1.33 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू जीरो। चलिए इसको हम रीअरेंज करते हैं, 3.67 ई आई थीटा बी प्लस 1.33 ई आई थीटा सी, ये -4.5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +4.5, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब आगे चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यू कैन से दैट एम सी डी प्लस सॉरी एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू जीरो। चलिए एम सी बी की वैल्यू क्या थी हमारी, एम सी बी की वैल्यू थी 12.12 प्लस 1.33 या इंटू थीटा बी प्लस 2.67 ई आई इंटू थीटा सी, राइट। और एम सी डी क्या आया था हमारा -1.11 प्लस
प्लस 1.33 ei थीटा c इज इक्वल टू 0। चलिए इसको रीअरेंज करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा 12 माइनस 1.11 वो हो जाएगा हमारा 0.89। फिर करेंगे इसको 1.33 ei थीटा भी, और थीटा सी क्या हो जाएगा 2.67 प्लस 1.33 ये हो जाएगा हमारा 4 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करते हैं इसको तो ये क्या हो जाएगा 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 4 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 0.89। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। अभी इक्वेशन नंबर 3 और 4 का आप सॉल्व करोगे तो उसमें से आपको मिलेगा, आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो सीधा कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, थीटा बी की जो वैल्यू आएगी वो आप क्या आएगी 1.48 डिवाइडेड बाय ई आई, यहाँ पे प्लस साइन आएगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, और थीटा सी की वैल्यू आती है आपकी माइनस 0.71 ई आई, वो आपकी आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर हमें थीटा भी और थीटा से मिल चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारे जो हमने इक्वेशन फॉर्म किए हुए थे एम ए बी एम बी सी एम सी डी और एम सी बी, उसमें हम थीटा भी और थीटा से की वैल्यू रख के सब इक्वेशन के फाइनल मोमेंट्स जो है वो निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 4, फाइनल मोमेंट्स। चलिए पहले तो हमारी वैल्यू कौन सी थी, पहले एम ए बी उसका इक्वेशन क्या आया था हमारा माइनस 7.5 प्लस 0.5 ई आई इंटू थीटा बी आया था। चलिए थीटा बी की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए ई आई कैंसिल हो गया, ई आई क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो उसके बाद जो बचेगा उसकी हमारी वैल्यू आएगी माइनस 6.76 किलोमीटर इंटू मीटर। उसी तरह से अगर हम फाइंड करेंगे एम बी ए का इक्वेशन क्या आया था हमारा 7.5 प्लस ई आई इंटू थीटा बी प्लस ई आई डिवाइडेड बाई 1.48 ओपन ई आई, यहाँ का हमारा आंसर आ जाएगा, एक मिनट रुकेगा। एट पॉइंट नाइन एट किलोमीटर इंटू मीटर। उसी तरह से हम फाइंड करेंगे एम एफ बी सी, एम एफ बी सी क्या आ जाएगा, चलिए फाइंड करते हैं, उसका इक्वेशन था हमारा माइनस 12 प्लस 2.67 ई आई इंटू थीटा बी प्लस 1.33 ई आई इंटू थीटा सी। चलिए थीटा बी और थीटा सी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.67 ई आई डिवाइडेड बाई प्लस 1.33 ई आई, थीटा सी की वैल्यू थी माइनस 0.71 ई आई। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो ये आपका पूरा आंसर आ जाएगा -8.98 किलोमीटर इंटू मीटर। आगे चलते हैं, एम एफ सी बी फाइंड करते हैं उसी तरह से। चलिए एम एफ सी बी की वैल्यू क्या आएगी, 12 प्लस सॉरी 12 प्लस 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 2.67 ई आई थीटा सी
देखिए आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, राइट। 12 प्लस 1.33, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करके क्वेश्चन लिख सकते हो। थीटा बी की वैल्यू थी 1.48 डिवाइड बाई ई आई 2.67 ई आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा माइनस पॉइंट सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 0.71 इंटू ई आई। इसकी वैल्यू हमारी आएगी 12.06 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसी तरह से फाइंड करते हैं एम सी डी। चलिए एम सी डी फाइंड करते हैं, वो क्या है हमारा माइनस 11.11 प्लस 1.33 ई आई इंटू थीटा सी। चलिए यहाँ पे खाली थीटा सी की वैल्यू कितनी हमें तो प्लस 1.33 ई आई माइनस 0.71 डिवाइडेड बाई ई आई, ये क्या हो जाएगा पूरा माइनस में आंसर आएगा इसका 12.06 किलोमीटर इंटू मीटर। और एम डी सी फाइंड करेंगे, एम डी सी की वैल्यू क्या होगी 5.55 प्लस ई आई सॉरी 0.67 सॉरी 0.67 ई आई इंटू थीटा सी। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम तो देखिए यहाँ पे माइनस 0.71 डिवाइडेड बाई ई आई, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 5.07 किलोमीटर इंटू मीटर। तो यहाँ पे हमें सब जगह पे सपोर्ट मोमेंट्स मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो सेंटर में जो हमारी मोमेंट आएगी, ये हमारा बीम था ऐसा, ए बी सी और डी, यहाँ पे हमें ये डीएल दिया गया था, यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट लोड था और यहाँ पे साइड पे लोड था, राइट। तो यहाँ पे जो सपोर्ट मोमेंट्स तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन स्पान मोमेंट जो होती है जो सेंटर में सबसे मैक्सिमम आएगी, तो स्पान मोमेंट हम फाइंड करेंगे, राइट। उसको हम सिंपली सपोर्टेड मोमेंट्स भी बोल सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड मोमेंट्स। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज ए बी का मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ये स्पान है हमें, तो ए बी स्पान को सिंपली सपोर्ट एज्यूम कर लेना, ये हो गया ए और ये हो गया बी। यहाँ पे सेंटर में जो मोमेंट आएगी, यहाँ पे हमारा लोड था कितना 15 था और ये स्पान हो जाएगा हमारा टोटल 4 मीटर का था, राइट। तो इसके सेंटर में जो मोमेंट आएगी वो कितनी आएगी वो हम फाइंड करते हैं। तो फोर स्पान ए बी मोमेंट इज इक्वल टू, उसका इक्वेशन क्या है सेंटर में मैक्सिमम, डब्ल्यू एल बाई 4, डब्ल्यू इज इक्वल टू 15, लेंथ इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 15 किलोमीटर इंटू मीटर। अब हम बात करते हैं फोर स्पान बी सी, उसकी मोमेंट क्या आएगी, यू डी एल है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, उसका इक्वेशन क्या है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, डब्ल्यू कितना था हमारा यहाँ पे, यहाँ पे था हमारा 18 सॉरी 16 था, और 16 एल स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, तो हमारा पूरा हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 8 2 6 9 इंटू 2 18 किलोमीटर इंटू मीटर। और सी डी के लिए बात करेंगे, फोर स्पान सी डी मोमेंट इज इक्वल टू, देखिए अभी इसके इसका कैसे फाइंड करेंगे हम, तो इसका इक्वेशन क्या है डब्ल्यू इंटू ए बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, ए डिस्टेंस और ए बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एल। डब्ल्यू कितना था 25, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा हो जाएगा 16.666 मतलब ये आ जाएगा 16.67 किलोमीटर इंटू मीटर। नाउ वी विल ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए यहाँ पे हम लेते हैं ए, और क्या था डायमेंशन, इसका डायमेंशन था 2 प्लस 2 4 मीटर, यहाँ पे आ रहा था हमारा
ये कि यहाँ पे हमारा पॉइंट लोड था, यहाँ पे हमारा बी, यहाँ पे था 3 मीटर 3 मीटर, ये हमारा हो गया सी और ये हमारा हो गया डी। तो फिर यहाँ पे हम देखें तो ये सब हमारे सेंटर पॉइंट है जो बीम के सेंटर होते हैं वो अंडर द लोड, और यहाँ पे था हमारा डब्ल्यू, राइट। तो अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो देखिए हमने एम ए बी की वैल्यू फाइंड की थी, फाइनल मोमेंट एम ए बी की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने, वो हमारी आई थी लगभग 6.76 आई थी हमारी, देख लेते एक बार। ओके वो हमारी थी 6.67, सो 6.76, तो मैं यहाँ पे करता हूँ उसको 6.76। एम बी ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी, वो आई थी हमारी 8.98, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8.98। एम बी सी की वैल्यू कितनी आई थी, -8.98। एम सी बी की वैल्यू कितनी आई थी, 12.06, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 12.06। और इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी एम डी सी की, 5.07, तो उसे थोड़ा यहाँ पे नीचे है 5.07। इस सबको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से ऐसे, ये सब पॉइंट को भी हम कनेक्ट कर देंगे। ओके तो ये हमारा हो गया पूरी फाइनल मोमेंट्स। अभी ये सेंटर में हमने मोमेंट फाइंड की थी, ए बी स्पान के सेंटर में क्या मोमेंट आई थी हमारी 15, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 15। बी सी में आई थी 18, जो है हमारे यू डी एल, यहाँ पे लिखते 18, और वो आई थी सी डी का 16.67। तब यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, ओके सॉरी 16.67 है, 15 और 18 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे 16.67। अब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये देखो ये भी स्पन क्या था हमारा, उसके अंदर सेंट्रल पॉइंट लोड था, मतलब उसका जो शेप बनेगा वो कितना बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे इसको, यहाँ पे जो था वो यू डी एल था तो वो पैराबोलिक कर्व आएगा, तो उसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। और ये जो है फिर से पॉइंट लोड था, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, मतलब वो भी ट्रायंगल बन जाएगा हमारा, राइट। अभी इसको हैच करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस प्लस फिर से माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, इसको हैच नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कर लेते हैं एक बार। यह आपका आंसर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे बी एम बी। अब हम कैलकुलेट करेंगे रिएक्शंस, मैं आपको सबसे इजी मेथड दिखाऊंगा इसके। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सपोर्ट रिएक्शंस, ओके फाइन। सो नाउ हियर वी हैव थ्री स्पान्स, राइट। सो आई एम ड्रॉइंग द स्पान्स हियर, इट इज वन स्पान, सेकेंड एंड थर्ड वन। द थर्ड वन इज हियर, पप्पा पप्पा आ बंद कर जाओ ने, रेकॉर्ड थाय छे, तमे आ બધી વાત કરો બધું અંદર આવે અંદર। यहां पे नाम दे देते हैं ए बी, सॉरी चलो यहाँ पे लिख देते सब सपोर्ट्स ले लेते हैं पहले, ये हमारा रिएक्शन आ जाएगा यहाँ पे, ओके। अभी इसके ऊपर लोड क्या था, यहाँ पे था 15 किलोन्यूटन शायद, देख लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। ओके यहाँ पे था 15 किलोन्यूटन, यहाँ पे यूडीएल था हमारा 16 किलोमीटर पर मीटर, और यहाँ पे था हमारा लोड जो कितना था 25 किलो न्यूटन। यहाँ पर डिस्टेंस लिख देते हैं सबसे 2 मीटर 2 मीटर
यहाँ पे था 3 मीटर और यहाँ पे था 1 मीटर यहाँ पे और 2 मीटर यहाँ पे था, राइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी बी सी और ये सी और ये डी। अभी हमारे पास क्या है, सबकी मोमेंट भी है। देखिए पहले मैं काम करता हूँ यहाँ पे, क्या करते हैं तो ये जो सी, ये जो ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये जो लोड हमें दिया गया उसके वजह से कितना रिएक्शन आएगा वो हम पहले फाइंड करते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, रिएक्शन ड्यू टू लोड। ओके, तो यहाँ पर ए के नीचे कौन सा लोड आएगा उसकी बात करते हैं। बी के नीचे क्या आएगा, यहाँ पे बी सी सी और डी। तो ये देखिएगा आप, चलिए यहाँ पे सिमेट्रिकल बीम है, 15 किलो न्यूटन का लोड है, तो यहाँ पर रिएक्शन कितना आएगा, 15 बाई 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15 बाई 2 कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, 7.5 किलो न्यूटन। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 7.5 किलो न्यूटन। ओके, डब्ल्यू बाई टू, यहाँ पर रिएक्शन कितना आएगा, डब्ल्यू बाई टू 15 बाई 2 सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड। उसकी साइन कौन सी आएगी, दोनों अपवर्ड हो गए रिएक्शन। ओके, तो ये अपवर्ड आ गया। अभी यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हमारा UDL है, कितना है, 16 किलो न्यूटन पर मीटर है। अब ये जो है इसका रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो WL by 2 होगा, यहाँ पे WL by 2 और यहाँ पे भी WL by 2 होगा। W into L by 2 मीन 16 into 3 डिवाइडेड बाई 2, 16 into 48 by 2 24। तो यहाँ पे 24 किलो न्यूटन, उसी तरह यहाँ पे भी 24 किलो न्यूटन आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं भैया, क्या हमारे पास ये जो 25 किलो न्यूटन का लोड है वो कहाँ पे लग रहा है, सी से 1 मीटर पे और डी से 2 मीटर पे। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डब्ल्यू इंटू बी, मैं इसको बोल देता हूँ ए और इसको बोलता हूँ बी, तो अवे का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो मैं यहाँ पे क्या कर, डब्ल्यू बी बाई एल, और यहाँ का रिएक्शन क्या आएगा, डब्ल्यू ए बाई एल आएगा। ओके, तो ये याद रखना, आप लिख देना कहीं पर, तो डब्ल्यू बी बाई एल, तो डब्ल्यू यहाँ पे कितना है, 25 है, यहाँ पे हमारा डब्ल्यू कितना है, 25 है, बी कितना है, 2 है, और एल कितना है, 3 है। तो इसका कितना आएगा, 50 बाई 3 करना पड़ेगा ये, तो 50 बाई 3 कितना हो जाएगा, 16.67 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन जो मेरा आएगा वो आएगा 16.67 किलो न्यूटन, उसकी डायरेक्शन पे अपवर्ड आएगी, मतलब ये पॉजिटिव है, राइट। हम अपवर्ड डायरेक्शन पे क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, राइट। अभी यहाँ का कैलकुलेट करते हैं, तो 25 into 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा हमारा 8.33 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या आ जाएगा, 8.33 किलो न्यूटन, इसके डायरेक्शन भी कौन सी आएगी, अपवर्ड आएगी, राइट। यहाँ से आपको लेके दिखा देता हूँ एक बार। ओके, ये देखिए यहाँ पर कितनी डायरेक्शन आ जाएगी हमारी, ऊपर की डायरेक्शन आ जाएगी, वो पॉजिटिव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है वो देखना। अभी मैं लिख देता हूँ रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये कौन सी रिएक्शन, मोमेंट कौन सी है। तो देखिए हमने एम ए बी फाइंड किया था यहाँ पे, यहाँ पे एम बी ए फाइंड किया था, यहाँ पे एम बी सी फाइंड किया था, एम सी बी फाइंड किया था, एम सी डी फाइंड किया था और एम डी सी फाइंड किया था, राइट। तो ये अभी इसकी वैल्यू लिखते हैं हम, चलिए कौन सी वैल्यू देखते हैं। एम ए बी की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 6.76, राइट, 6.76। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6.76, कहाँ पे गया, ये रहा। ओके फाइन, ये हमारा हो गया 6.76। यहाँ पे वैल्यू क्या थी हमारी एम बी सी की, सॉरी एम बी ए की वैल्यू क्या थी, 8.98। एम बी सी की वैल्यू भी क्या थी, 8.98, तो मैं यहाँ पे 8.98 लिख देता हूँ पहले से। एम सी बी की वैल्यू क्या थी हमारी, एम सी बी की वैल्यू क्या थी, वो थी 12.06, और यहाँ पे भी था 12.06, और यहाँ पे जो आई थी हमारी मोमेंट वो आई थी 5.07, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी प्रोसीजर क्या करना है, देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 6.76 है और यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, 8.98 है। तो मैं क्या करूँगा, इसका एल्जेब्रिक सम कर दूंगा, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अगर आप ऐसे भी नहीं करते तो जिसकी डायरेक्शन होगी, जो मोमेंट सबसे ज़्यादा है उसकी डायरेक्शन ले लेंगे, मतलब हम यहाँ पे निकालेंगे अनबैलेंस मोमेंट निकालेंगे यहाँ से। तो 8.98 माइनस में क्या करता हूँ, 6.76, तो जो मेरी मोमेंट आ रही है 2.22, वो कहाँ पे आ रही है,
वो इस तरह से आ रही है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है ना मोमेंट, तो उसकी डायरेक्शन जो बनेगी कौन सी बनेगी, ऐसी बनेगी। तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए मैं उसको कौन सी मोमेंट दूंगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन की मोमेंट दूंगा। कितनी आ जाएगी, वो 2.22 आ जाएगी। अब ये जो 2.22 मोमेंट आई है उसको हम फोर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो ये मोमेंट जो है हमको कहाँ पे बांटनी है, पूरे स्पान पे बांटनी है, यहाँ पे ए और बी पे। तो मैं क्या करूँगा, ये 4 मीटर का स्पान है, तो मैं इस मोमेंट को क्या करूँगा, मोमेंट डिवाइडेड बाय स्पान। तो यहाँ पे ए पे क्या होगा, 2.2 डिवाइडेड बाय 4, तो वो कितना हो जाएगा, 0.55, राइट, 0.55। और यहाँ पे भी 0.55 आएगा ना, क्योंकि डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, दोनों में बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 0.55। अभी इसकी डायरेक्शन कौन सी आएगी, देखो आप मोमेंट कैसे दे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं, मतलब कब ऐसा होगा, तो आपको शियर फोर्स जो ए के साइड जो रिएक्शन आएगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा और यहाँ पे जाएगा अपवर्ड। देखिए इस तरह से कैसे एरो बन रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये आपको याद रखना है ऐसे, क्लियर। चलिए अभी आगे करते हैं। ओके, यहाँ पे चलिए स्पान बीसी की बात करते हैं। यहाँ पे 8.98 इस तरफ जा रही है, 12.60 इस तरफ आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, 12.06 माइनस 8.98, 3.08 आया। और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जो ज़्यादा मोमेंट है उसकी डायरेक्शन लगे, मतलब वो भी जा रही है हमारी क्लॉकवाइज जा रही है, तो वो कितनी आएगी, 3.08। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या दूंगा उसको, एंटी क्लॉकवाइज 3.08 लूंगा मैं। और इसको अभी डिवाइड करने की क्या करूँगा, जो स्पान कितना है 3 मीटर, तो 3.08 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, तो हो जाएगा 1.02, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.02, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1.02 किलोमीटर रिएक्शन, राइट। अभी इसकी डायरेक्शन कैसी बनेगी, सेम टू सेम, यहाँ से एरो नीचे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, बी के पास नीचे और ये ऊपर। ओके, अभी ये करते हैं, 12.06 माइनस 5.07, देखो इसका 6.99 आंसर आ रहा है, और वो कहाँ पे आ रहा है, वो इस तरह से आ रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रही है 6.99। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको रेजिस्ट करने के लिए मैं क्लॉकवाइज दूंगा 6.99। तो अभी यहाँ पे जो रिएक्शन मेरे आएंगे उसका एरो यहाँ पे होगा डाउनवर्ड, यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा, यहाँ पे डाउनवर्ड आएगा और यहाँ पे अपवर्ड आएगा, क्लियर। तो 6.99 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या हो जाएगा, 2.33, तो ये आ गया 2.33, ये हो गया 2.33। अभी टोटल क्या करेंगे, अभी ये सबका टोटल कर लेंगे, अपवर्ड साइन मतलब पॉजिटिव, डाउनवर्ड साइन मतलब नेगेटिव, राइट। तो इस तरह से हम उसके कैलकुलेशन करेंगे और टोटल रिएक्शन हम फाइंड कर लेंगे। चलिए तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ से लाइन खींच लेते हैं। ओके फाइन, चलिए हो गया। चलिए अभी इसका टोटल करते हैं, 7.5 माइनस 0.55, तो यह क्या हो जाएगा, 6.95 किलो न्यूटन। इसकी बात करते हैं, यह क्या हो जाएगा, 7.5 प्लस लेंगे 0.55, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन है, तो 8.05 हो गया इसका। इसकी बात करते हैं, तो 24 माइनस 1.02 करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 22.98। उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड आएगी, ये सब अपवर्ड ही आएंगे, क्योंकि जो वैल्यू ज़्यादा है उसके जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन आपके आंसर की भी आएगी। अभी ये दोनों प्लस है, तो 25.02 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन। अभी मैं क्या करता हूँ, 16.7, ये दोनों ऊपर ही जा रहे हैं, तो जो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा, 8.33 माइनस 2.33, ये हो जाएगा हमारा 6 किलोन्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए बी के दो रिएक्शन आ गए, ये दोनों जो है वो बी के रिएक्शन है, और ये दोनों जो है तो सी के रिएक्शन है। अभी उनकी बात करते, तो वह कैसे आएगा, तो इन दोनों का मैं क्या कर दूंगा, 8.05 प्लस 22.98, ये आ गया हमारा 31.03 किलोन्यूटन। तो ये जो हमारी रिएक्शन है वो है आर ए है, ये जो रिएक्शन आ गया वो आ गया आर बी,
और ये जो रिएक्शन आएगा वह क्या आएगा, आर सी आएगा। तो 25.02 प्लस 19 44.02 किलो न्यूटन, इसको मैं लिख देता हूँ आर सी, और ये हो गया हमारा आर डी 6 किलो न्यूटन, राइट। तो हमारे पास सारे रिएक्शन भी अवेलेबल है, तो अब हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले जो हमारा बीम है वो हम ले लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया हमारा बीम, ओके फाइन। चलिए अभी यहाँ पे डिस्टेंस कैसा था हमारे बीम का वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे था ए, यहाँ पे 4 मीटर पे था बी, और यहाँ पे था सी और डी 3-3 मीटर, यहाँ पे यूडीएल था, और यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट लोड, और यहाँ पे अपना एक लोड था, राइट। अभी यहाँ पे वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, तो पहले क्या करते हैं हम इसको पूरा रिएक्शन लिख देते हैं, लोड सिस्टम भी पूरी लिख देते हैं। तो ये होगा 15 किलो न्यूटन, यहाँ पर यूडीएल था, ये हो गया यूडीएल हमारा 16 वाला, और ये हो गया हमारा 25 किलो न्यूटन, राइट। यहाँ पे 2 मीटर 2 मीटर, यहाँ पे था 3 मीटर, और यहाँ पे था 1 मीटर, और यहाँ पे था 2 मीटर। इसको सिंपल समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक मिनट, राइट। ये हो गया हमारा फिक्स सपोर्ट, ये हमारा हमारा फिक्स सपोर्ट। अभी यहाँ से सब रिएक्शन हम लिख देते हैं। तो आर ए कितना आया था हमारा, देखिए आर ए कितना आया था हमारा, देखिए यहाँ पे 6.95। आर बी कितना आया था, 31.03। आर सी कितना आया था, 14.02, और आर डी कितना आया, 6 किलोमीटर, राइट। तो अभी इसकी मदद से हम क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। ओके यहाँ पे हमने ले लिया। चलिए अभी ए पॉइंट के पास, अभी हमारी साइन कन्वेंशन मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए शियर फोर्स के लिए ये सेक्शन हो गया, सेक्शन के लेफ्ट साइड अगर अपवर्ड है तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव, और सेक्शन के राइट साइड डाउनवर्ड है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। और इसी तरह से अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड का फोर्स जो नीचे जा रहा है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव, और सेक्शन के राइट साइड का फोर्स अगर ऊपर जा रहा है तो हम लेंगे उसको नेगेटिव, राइट। तो ये दोनों साइन कन्वेंशन आप याद रखिएगा। ओके हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सब जगह पर एक एक सेक्शन हम ले लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर एक सेक्शन, यहाँ पर एक सेक्शन, एडजस्ट लेफ्ट एडजस्ट राइट, एडजस्ट लेफ्ट एडजस्ट राइट, एट जस्ट लेफ्ट एट जस्ट राइट, एंड एट जस्ट लेफ्ट एंड एट जस्ट राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैंने लाइन खींची हुआ सेक्शन है हम हर बार उसकी लेफ्ट साइड पे देखेंगे, राइट। तो ये जो सेक्शन है वो है एट जस्ट लेफ्ट, ओके एट जस्ट लेफ्ट है ए के पास, तो हम क्या लिखेंगे उसको, एस एफ एट ए एट जस्ट लेफ्ट, राइट। अभी राइट साइड पे हम लेफ्ट पे देखेंगे, ये जो सेक्शन है वो हमारा लेफ्ट साइड का है, हम उस सेक्शन से भी क्या यहाँ देखेंगे, लेफ्ट साइड पे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे कोई फोर्स है हमारा नहीं है ना, तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारी, ज़ीरो। अभी हम आगे जाते हैं, इस सेक्शन पे जाते हैं, मैंने क्या बोला हम लेफ्ट साइड पे ही देखेंगे, तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड देखो कोई फोर्स ऐड हो रहा है, यस ऐड हो रहा है, वो सेक्शन के लेफ्ट पे वो कहाँ पे जा रहा है, वो अपवर्ड साइन दे रहा है, तो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, कितना है 6.95, तो मैं यहाँ पे लूँगा 6.95, राइट। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, देखिए कोई भी फोर्स ऐड नहीं हुआ है, तो ये 6.9 जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ तक कांस्टेंट रहेगी। जैसे भी मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पॉइंट पे आता हूँ, तो क्या हो रहा है, ये जो 15 किलोन्यूटन का लोड है वो नीचे जा रहा है, मतलब 6.95 माइनस 15 वैल्यू क्या आ गई, -8.05। तो ये यहाँ पे माइनस मतलब इस लाइन पे कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आएगा, मैं इसको लिखता हूँ 8.05, ऊपर की वैल्यू प्लस लाइन के नीचे की वैल्यू माइनस, राइट। अभी यहाँ तक आ गए, कोई भी लोड नहीं है तो ये कांस्टेंट रहेगा अभी तक, यहाँ पे सब लोग शायद भी है तो यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा हमारा, यहाँ पे आ गया 8.05,
अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आ गया फिर से हमने देखा लेफ्ट साइड, देखो कौन सा भी फोर्स ऐड हो रहा है। यस यहाँ पे अपवर्ड एक फोर्स ऐड हो रहा है, तो -8.05 +31.03, तो आंसर क्या आ गया 22.98, वो पॉजिटिव हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 22.98, क्लियर। ये हमारा आ गया एक पॉइंट आ गया 22.98। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा UDL है, मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो 22.98 माइनस क्या हो जाएगा 16 × 3 -25.02। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ -28.02, यहाँ सी के पास, यस -28.02। अभी ये माइनस सॉरी 25.02 आ रहा है, सॉरी 25.02। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आ रहा हूँ, इस तरफ देखता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो देखो कौन सा फोर्स ऊपर जा रहा है, यस ऊपर जा रहा है, तो उसमें प्लस करने के 14.02, ये हो गया हमारा 19। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये हो गया हमारा 19। अभी यहाँ से मैं यहाँ तक आया, यहाँ तक तो कोई फोर्स ऐड नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा कांस्टेंट रहेगा 19। लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड फोर्स जा रहा है नीचे, तो 19 -25 -6 आएगा आंसर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 6। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा -6 कांस्टेंट रहेगा। और जैसे भी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो ये रहा हमारा -6, उसके अंदर मैं प्लस करूँगा +6, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, तो क्या आंसर आ गया 0। देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 0, तो ये हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम है वो करेक्ट है बिल्कुल, राइट। अभी चलो हम इसको ज्वाइन करते हैं सब पॉइंट। SFT के अंदर अगर पॉइंट लोड आ रहा है तो हमारा सब लाइन कांस्टेंट रहेगी। ये देखिए लीनियर लाइन आ गई, यहाँ से नीचे जाएगा हम, यहाँ से लेके इसको कनेक्ट करेंगे, UDL आ रहा है तो इंक्लाइन लाइन आएगी, मतलब ट्राइंगल जैसा कुछ बनेगा। देखिए यहाँ से ऐसा यहाँ तक बन रहा है ऐसा, फिर से ये इसको कनेक्ट करेंगे हम, ओके फिर से पॉइंट लोड आ गया तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ से कांस्टेंट और यहाँ से कनेक्ट, ओके। तो इस तरह शियर फोर्स जो है वो शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, साइन देते हुए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। यहाँ पे सब नाम भी आप दे सकते हो, ए बी सी डी, राइट। और यहाँ पे आप ई और एफ ऐसे पॉइंट इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। तो यह हो गया हमारा SFD। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेथड अच्छी लगी हो, ये न्यूमेरिकल में आपको पूरा समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ओके थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम स्लोप डिफ्लेक्शन का इससे ज़्यादा एडवांस तरीके का एग्जाम्पल होगा वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।